और भाई तुमको एक गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना है, कैमरा के लिए एक स्मार्टफोन परचेस करना है और तुम्हारा बजट है 20,000, तो 20,000 के अंदर भाई एक मतलब दो फोन के बारे में बताऊंगा तुमको, 90 पीस पर गेमिंग कर पाओगे और तुमको 30,000 वाले फ़ोन जैसा कैमरा भी देखने को मिलेगा और फोन के अंदर 13-14 5G बैंड भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप लोगों को 5G प्लस का सपोर्ट। तो अगर आप भी सोच रहे हो गेमिंग और कैमरा के लिए फ़ोन परचेस करना, 20,000 तुम्हारा बजट है और तुम एक फ्लैगशिप फ़ोन परचेस करना चाहते हो जिसके अंदर AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो फोन के बारे में बताऊंगा और ये दोनों फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट इस प्राइस के अंदर। कोई अगर बोलते इससे भी अच्छा फ़ोन तो उसके बाद मत सुनो कि इससे अच्छा फोन मैंने बहुत रिसर्च किया, कोई भी फोन नहीं मिला और हो भी नहीं सकता अगर आप लोग ऑलराउंडर या फिर एक फ्लैगशिप लेवल का फोन परचेस करने का सोच रहे हो। तो चलो यार फोन के बारे में बताते हैं, उसके बाद यार दोनों फोन में से कोई भी फोन आप लोग ले सकते हो जो फोन आपको पसंद आए। सबसे पहले आप लोग स्पेसिफिकेशन जान लो, स्पेसिफिकेशन उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना। चलो दोनों फोन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन कंटेंट हम अपलोड करते रहते और बेस्ट फोन वगैरह आपके लिए लाते रहते हैं, फोन का गेमिंग टच वीडियो बनाते रहते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफोर्ड लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हो सके। तो चलो इसे बात करते हैं फोन के बारे में। सो फर्स्ट फोन गाइस मैं खुद यूज किया, इसका फुल रिव्यू वीडियो चैनल के अंदर है जो कि इस वीडियो के बाद आप लोग एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन दोनों के अंदर भाई आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा फोन लेना है, तो इसके लिए ये वीडियो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट फोन है गाइस यहां पर टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमोन 20 Pro 5G। तो जिन लोगों भाई यहां पर बेस्ट कैमरा के लिए एक फोन चाहिए, एक AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो इस फोन के अंदर 120Hz का एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 360Hz का सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, MediaTek Dimensity 8050 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर आप लोगों को 7,00,000 से ज़्यादा एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा और अगर फोन के अंदर आप लोग BGMI खेलना चाहते हो 60 FPS पर आप लोग फोन के अंदर BGMI खेल सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो फोन के बारे में बताऊंगा उसके अंदर भी आप लोग अच्छा खासा BGMI परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, 90 FPS पर BGMI देखने को मिलेगा, लेकिन ये फोन के अंदर कैमरे के साथ साथ BGMI का 60 FPS का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये फोन का लुक एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, इसके लिए इस फोन को एक रिवार्ड भी मिला था। तो ये फोन लुकिंग वाइज अगर आप लोग कोई फोन चाहते हो 20,000 के अंदर परचेस करना, जिसको फ्लैगशिप लोग देखकर समझे कि फ्लैगशिप लेवल का फोन है, इसके अंदर हम लोग को लेदर डिज़ाइन देखने को मिलता है बैक में, तो ओवरऑल मिलाकर भाई कैमरा ओरिएंटेड के साथ साथ एक गेमिंग के साथ साथ यहाँ पर लुकिंग वाइज भी फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला फोन के अंदर गाइस आप लोगों को फ्रंट में 32MP का कैमरा देखने को मिलेगा और उसके साथ बैक में आप लोगों को OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है बैक कैमरा में। सो यहाँ पर कैमरा वाइज फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कैमरा के लिए अगर आप लोगों को स्पेशली 20,000 के अंदर कोई भी फोन लेना है जिसके अंदर आप लोग एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा चाहिए, तो ये फोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है और उसके साथ जो प्रोसेसर इतना ज़्यादा कैपेबल है कि कैमरा का डिटेल्स वगैरह कोई फोटो ले दो वो भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर पाए, फिर डिटेल को अच्छे से यहाँ पर कर पाए, ठीक है, डिटेल्स वगैरह अच्छे से दे। तो इसके लिए भाई ये वाले फ़ोन आपके लिए कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए और गेमिंग के लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों 90 FPS पर गेमिंग कर रहा है तो नेक्स्ट फोन है, लेकिन ये फोन के अंदर आप लोग को जो बैटरी देखने मिलता है 5000mAh का, उसके साथ जो गाइस आप लोगों को फोन के अंदर जो चार्जर देखने मिलता है 33W का, तो लगभग गाइस 1 घंटा 10 मिनट के अंदर फोन फुल चार्ज हो जाएगा। मेरी तरफ से ये वाला फोन आपके लिए रिकमेंड रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों को 90 FPS पर गेमिंग करना है तो एक गेमिंग फोन चाहिए स्पेशली तो और फास्ट चार्जिंग और भी ज़्यादा चाहिए, तो नेक्स्ट फोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये वाला फोन है गाइज इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का GT10 Pro। और अभी आप लोग बोलोगे एलेक्स भाई ये फोन तो अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो हाँ मिलेगा भाई, ये फोन कहाँ से लेना है मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। फोन के अंदर गाइस हम लोग को सेमी प्रोसेसर देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8050 का और ये फोन भी गाइस आप लोग को लगभग 20,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। और ये फोन के अंदर गाइस हम लोग को सुपर AMOLED वैसे ही हम लोग डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz का और 360Hz का हम लोग सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलता है। और ये फोन के अंदर भाई हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलता है जो कि गाइस फोन एक गेमिंग फोन है, इसके लिए फोन के अंदर 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है और 90 FPS गाइस यहाँ पर प्रॉपर तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन गाइस ये वाला फोन के अंदर आप लोगों को 60-70 FPS तक सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो काफी अच्छे फोन है गाइस, गेमिंग के लिए अगर लेना है भाई 20,000 के अंदर इससे अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को कोई भी फोन शायद ही दे पाएगा अगर आप लोग न्यू फोन लेना चाहते हो तो। ये फोन के अंदर भी गाइस आप लोगों को दोनों ही फोन के अंदर 1 साल का वारंटी देखने को मिलता है। ये वाले फोन के अंदर गाइस आप लोगों को जो एक्स्ट्रा जो देखने को मिलता है चार्जिंग का स्पीड 45W का गाइस फोन के अंदर आप लोगों को चार्जर देखने को मिलेगा, उसके साथ 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है जिसका बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, 7 घंटे तक फोन में स्क्रीन ऑन टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो दोनों ही फोन गाइस काफ़ी अच्छा है, दोनों के अंदर कोई भी आप लोग ले सकते हो। इसके साथ साथ ये फोन का भी कैमरा काफ़ी अच्छा है, सोचने बाद बस गेमिंग फोन है, मैंने खुद फोटो वगैरह क्लिक करके रखा है डे लाइट में या फिर ओवरऑल गाइस लाइट के अंदर लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी अच्छे वर्क करता है, नाइट में भी अगर लाइट जलता है तो भी गाइस काफ़ी अच्छे वर्क कर लेता है। और मैंने पहले ही बोला ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, डिटेल्स
वगैरह काफी अच्छे से कैप्चर कर पाता है। ओवरऑल गाइस ये वाले फोन काफी अच्छे है, 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन भाई ये फोन के अंदर भाई जिन लोगों को कैमरा के लिए स्पेशली फोन लेना है दोनों के अंदर टेक्नो कैमन 20 Pro ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर वॉइस देखने को नहीं मिलता और ज्यादा थोड़ा सा बेटर कैमरा क्वालिटी आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा टेक्नो कैमन 20 Pro में। तो दोनों के अंदर कौन सा फोन लेना है भाई, अगर आप लोग मुझसे पूछते हो दोनों ही फोन काफी अच्छा है। और ये पर इन्फिनिक्स और टेक्नो का फोन अगर लेना नहीं है, दूसरा कोई ब्रांड का फोन लेना है भाई, मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट फोन यही लगा है। और ये सब फोन का सर्विस सेंटर भी आप लोग देखने को मिलेगा, तो ब्रांड के ऊपर भाई आप लोग मत जाओ। ये फोन को आप लोग गेमिंग के लिए फिर कैमरा के लिए ले सकते हो, 20,000 का अगर बजट है आपका तो ये सब फोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। दूसरा अगर ब्रांड के चक्कर में भरोगे तो आप लोग को परफॉर्मेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। 25,000-26,000 का बजट है तो आप लोग आईक्यू या फिर रियलमी की तरफ आप लोग जा सकते हो। और अगर ये दोनों फोन के अंदर आप लोगों को डिटेल्स कंपेयर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना भाई, तुम्हारा भाई वीडियो जरूर लाएगा। तो चलिए यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते से भी ज्यादा कोई ब्रेस अकाउंट के साथ। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और भी कोई फोन के ऊपर और भी कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, आपका भाई वीडियो लाने का कोशिश करेगा और कॉमेंट कर देना अच्छा खासा। अगर हो सके तो आप लोग कोई भी फोन का यूज कर रहे हो दोनों के अंदर कैसा चल रहा है तो जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।